सो वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट माइक्रो सर्विसेज. किसी को कुछ आइडिया है अभी माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं? कुछ किसी ने पहले जिंदगी में सोचा हो, ऐसा नाम कभी पढ़ा हो? हेलो, जस्ट थोड़ा सा इंटरेक्शन चाहिए होगा. ओके कूल. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे स्टार्ट हुई थी ना, जैसे जैसे वी स्टार्टेड ग्रोइंग. सोचो एक जॉइंट फैमिली है ये, राइट? एक प्रोजेक्ट है. इसके अंदर यू हैव डिफरेंट थिंग्स. यू हैव अ सिस्टम टू लॉग इन अ यूज़र, राइट? एंड देन यू हैव अ सिस्टम दैट्स टेकिंग इन पेमेंट्स, राइट? सो थिंक ऑफ अ सिस्टम दैट इज डूइंग द बिजनेस लॉजिक. इट कुड बी एनीथिंग, लाइक ई कॉमर्स स्टोर हो सकता है, कोई AI प्लेटफॉर्म है जो फोटोज बना के दे रहा है, तो वो AI वाला प्रोडक्ट है जो फोटोज बना रहा है, वो ऐसा हो सकता है. और थर्ड थिंग कुड बी लाइक डिफरेंट, देयर कुड बी डिफरेंट थिंग्स, लाइक एक डाटाबेस है अपने पास और ये आपस में कनेक्टेड है. डाटाबेस इज सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड टू थॉट सिस्टम, और इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू पेमेंट्स, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू बिजनेस लॉजिक. अब थिंक ऑफ इट एज अ रूम, जैसे थिंक ऑफ इट एज अ ज्वाइंट फैमिली. ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन रहा है अभी तक, किसी को कुछ आइडिया हो? तो अब इसमें क्या है, ये तुम हो, ये तुम्हारे छोटे भैया हैं, ये तुम्हारे बड़े भैया हैं, राइट? द थिंग इज योर बिगर ब्रदर, थिंक ऑफ इट लाइक इनकी मैरिज हो जाती है बिजनेस लॉजिक की. एंड दे आर एक्सपेंडिंग देयर फैमिली, यू आर एडिंग न्यू फीचर्स, राइट? इनके पास इनकी फैमिली हो, मतलब बिजनेस लॉजिक के अंदर एक नया मॉड्यूल हो गया, दैट्स लाइक फैमिली इज ग्रोइंग, राइट? तो आपको स्पेस चाहिए. अब आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो इस सारे सिस्टम को उठा के पूरी फैमिली को, अगर साथ में रहना है तो पूरी फैमिली को हम एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर देंगे जिसके अंदर ज़्यादा स्पेस होगी. उसके अंदर लॉगिन उतनी स्पेस ही ले रहा है, मतलब तुम उतनी स्पेस ले रहे हो बाकी सभी, बट जो मॉड्यूल बड़ा था उस मॉड्यूल के लिए स्पेस बड़ी. स्पेस एज इन मेमोरी, लाइक CPU यूटिलाइजेशन, उसको CPU रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए या फिर उसको रैम ज़्यादा चाहिए. फॉर एग्जांपल मैंने अपने कंटेंट में मैंने अपने लॉजिक में एक पर्टिकुलर फाइल प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है. वो फाइल को पहले डाउनलोड करती है, फिर रीड करती है, तो वो फाइल मेमोरी में रहती है, राइट? तो उसको फाइल को प्रोसेस करने के लिए मेमोरी चाहिए, रैम चाहिए. तो या तो ये चीज़ हो सकती है, या फिर कैसे हो सकता है, आपके जो बड़े भैया हैं जिनकी शादी हुई थी, दे टेक टेक योर देमसेल्स आउट और एक वो नया घर लेकर उसके अंदर रहने लग जाएंगे, राइट? तो ये दो अप्रोचेज हम कर सकते हैं, इधर दिस थिंग और दिस थिंग. तो जो ये बिजनेस लॉजिक को हमने आउट कर दिया ना एक मोनोलिथ से, तो जो ये चीज़ है ना जिसमें सारा कुछ एक ही सर्वर पे रहता है, इसको हम कहते हैं मोनोलिथ. मोनोलिथ मोनोलिथ एज इन जिसके अंदर स्केलिंग नहीं हो सकती अलग अलग कंपोनेंट्स की, या फिर सारा कुछ एक ही कोड बेस के अंदर रह रहा है, डाटाबेस भी एक ही सर्वर के ऊपर है, लॉग इन पेमेंट्स एवरीथिंग, राइट? बट मोनोलिथ्स में क्या इशू होता है कि अपने को स्केल करना बहुत टफ है. और मोनोलिथ में क्या हो सकता है, मान लो ये पूरा सर्वर क्रैश कर गया तो आपका सारा कुछ क्रैश कर जाएगा, सारा कुछ कैसे, पेमेंट्स भी खराब हो गई, लॉगिन भी खराब हो गया, बिजनेस लॉजिक भी खराब हो गया, और डाटाबेस डाटा लॉस हो गया, सब कुछ हो गया. तो मोनोलिथ को तोड़ तोड़ कर जैसे जैसे फैमिली एक्सपेंड करती रहती है, डाटाबेस को अलग कर देंगे, एक अलग मैनेज्ड सर्विस के रूप में ले जाएंगे इसको, राइट? उस फैमिली में से निकाल के. और पेमेंट्स हैं जो पेमेंट्स को एक अलग रूम दे देंगे हम, या फिर डिपेंड करता है हमने किस चीज़ को कैसे डिवाइड करना. अब दिक्कत क्या है, पहले सभी इकट्ठे रहते थे तो घुल मिल के रहने से सबके अंदर एक सिंक्रोनाइजेशन थी, एक हार्मनी थी. सब आपस में, अगर मान लो जॉइंट फैमिली में सभी मिलते हैं तो एक दूसरे का हाल चाल रखते हैं, ख्याल रखते हैं, ऐसा. तो इसमें क्या होता है, लॉगिन ने डाटाबेस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करा, या फिर पेमेंट्स ने डाटाबेस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करा, तो
डायरेक्ट कनेक्शन से सीधा डाटाबेस के अंदर मान लो पेमेंट आई, तो हमने एक राइट ऑपरेशन करा कि दिस पर्टिकुलर पेमेंट हैज कम एंड आई विल जस्ट राइट अ एंट्री इन देयर, एक सब्सक्रिप्शन किसी की आ गई या फिर वॉट एवर द लॉजिक इज राइट. बट इसमें क्या हो गया, अपने को हर इंटरेक्शन के लिए नेटवर्क के थ्रू रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी. अब इस केस में क्या था, जब डाटाबेस अंदर ही था तो हमने सिर्फ लोकल होस्ट टू लोकल होस्ट रिक्वेस्ट भेजनी थी. समझ आ रहा है अभी तक किसी को कोई डाउट हो? कोई डाउट नहीं. तो अभी अगर डाटाबेस को हम अलग कर देते हैं तो रिक्वेस्ट अलग जा रही है, लाइक बाहर जा रही है अपने घर से. तो घर से बाहर जाना मतलब आप स्पेशली वहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है तो नेटवर्क के थ्रू जा रही है, तो उसमें पेलोड जा रहा है. नेटवर्क का इनग्रेस ईग्रेस दो चीज़ें, दो टर्म्स हैं ये. इनग्रेस ईग्रेस इज इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक. तो जितना आपका नेटवर्क मूव होता है ना, जितना आपका डाटा मूव होता है, तो उसका भी आपको कॉस्ट आता है क्लाउड पे. तो उस सब चीज़ को ऑप्टिमाइज करके हमने एक सोच बनानी है कि इस फैमिली को कैसे आर्किटेक्चर करा जाए ताकि हर कॉम्पोनेंट इंडिविजुअली ग्रो कर पाए और हर कॉम्पोनेंट आपस में मिनिमम डिपेंडेंसी रखे. एक कपलिंग मिनिमम होनी चाहिए सिस्टम की. फॉर एग्जाम्पल अगर बिजनेस लॉजिक है वो पेमेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो हम उनको अलग नहीं कर सकते, उनको पेमेंट्स को साथ में रखना पड़ेगा. बिजनेस लॉजिक को ऐसा मानो कि बिजनेस लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक मूव आउट कर गया, बट जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी मूव आउट नहीं कर पा रहे, उनको साथ में लेके जाना पड़ेगा. उनकी डिपेंडेंसी है दवाई बूटी की या फिर खाना कौन बनाएगा ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, तो वो आपके भैया के साथ मूव कर गए. और उनके अंदर एक कॉमन लॉजिकल लेयर है जिसको हम अलग नहीं कर सकते कोड में, राइट. तो उसको हमें अलग करने करने की जगह पर उन दोनों को कंबाइन करके एक अलग सर्विस बनाई और लॉगिन बेचारा अकेला रह गया और लॉगिन के इंस्टेंस को हमने स्केल डाउन कर दिया उसके साइज को. तो दिस कुड ऑल्सो बी अ सिनेरियो. और माइक्रो सर्विसेज कंटेक्स्ट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लाइक आइडियल प्रैक्टिसेस डिस्कस कर रहे हैं हम कि माइक्रो सर्विसेज बनानी कैसे हैं और माइक्रो सर्विसेज में होता क्या क्या है. कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट एज इन अगर एक माइक्रो सर्विस एक डाटाबेस को रीड कर रही है तो उस डाटाबेस को दूसरी सर्विस राइट या रीड नहीं करना चाहिए डायरेक्टली. अगर इस डाटाबेस को क्रिएट कॉपीज, ऐसा इसका डाटाबेस अलग हो जाएगा फॉर एग्जांपल बिजनेस लॉजिक वाले का, राइट. और वो दोनों कंबाइंड है तो ये दोनों ऐसा. माइक्रो सर्विसेज आपस में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. जो भी डाटा शेयरिंग हो रही है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, वो कम्युनिकेशन इनके आपस में होना चाहिए. लाइक इस जगह से यहाँ पर एक नेटवर्क रिक्वेस्ट चलेगी. अब रिक्वेस्ट क्या हो सकती है, API कॉल हो सकती है या फिर RPC कॉल हो सकती है, क्यू के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है, जो हमने बैकएंड वाली कॉल में काफ़ी जार्गन जैसे डिस्कस करे थे, राइट. अब हमें देखना है कि एप्लीकेशंस बनती कैसे हैं. फॉर एग्जांपल तुम्हारे मन में कोई स्टार्टअप का आइडिया है, तो अभी हमें रफ आर्किटेक्चर बना के देखते हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, राइट. प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे हैं इट्स समथिंग लाइक, एक छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं. प्रॉब्लम क्या होगी कि लेट्स क्रिएट अ मॉनिटरिंग सिस्टम दैट वुड डिटेक्ट चेंजेस एंड देन सेंड ईमेल और डू एक्शंस ऑन चेंजेस ऑफ अ पर्टिकुलर वेब पेज. तो एक छोटा सा एक प्रोडक्ट आइडिया है, इसको अगर किसी के अंदर मतलब कोई मन किसका मन कर रहा है इसको हम इकट्ठे मिलके बना भी सकते हैं, राइट. ये क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है सबको? हेलो, ब्रेक इट इनटू टू लाइंस ना. आई विल ब्रेक इट. या एक्चुअली मैंने ये प्लगइन चेंज करा, आई वाज यूजिंग draw.io पहले, बट आई एम जस्ट मूव टू Excalibur दिस वीक. तो दिस इज आवर प्रॉब्लम. तो इस प्रॉब्लम में पहले सबसे पहले देखो कि करना क्या क्या है अपने को. करना क्या क्या है अपने को, मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए. तो मॉनिटरिंग एज इन जो बार बार देखता रहता है, बार बार देखना इस रेपिटेशन, राइट. हर 15 मिनट बाद हम एक पर्टिकुलर वेब पेज पे चेक कर रहे हैं कि चेंज आया. फॉर एग्जांपल आपका, आपने सबने IIT JEE तो दिया होगा ना, कोई है जिसने IIT JEE नहीं दिया?
हेलो नहीं नहीं दिया है, सबने दिया है क्या? तो मान लो आईआईटीजेई का आज रिजल्ट आना है, तो आपको क्या होगा? आप खुद हर 15 मिनट बाद रिफ्रेश करके देखोगे ना कि रिजल्ट आया या नहीं आया, और जैसे रिजल्ट आया आप सब दोस्तों को फोन करोगे, तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। इसमें आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए एक क्रॉन सर्विस, इसका काम क्या होना चाहिए, सिर्फ क्रॉन जॉब मैनेज करना, राइट। और उसके बाद अपने को क्या चाहिए? एक्शंस। एक्शंस को हम एक जर्नल टर्म लिख देते हैं कि एक्शंस ही लिख देते हैं, राइट। फॉन्ट कैसे बड़ा होगा? फॉन्ट दिख रहा है ना? यस यस। और अपने को क्या चाहिए? अगर मान लो अपने को पेमेंट चाहिए तो एक अलग सर्विस होगी पेमेंट्स की, राइट। और क्या होगा? एक सर्विस होगी ऑथेंटिकेशन की, जिसके अंदर यूजर का डाटा रखेंगे हम। तो अभी मैं मोनोलिथ बना रहा हूँ। जब भी हम एक एमवीपी बनाते हैं ना, जब भी हम एक एमवीपी बनाते हैं तो सबसे पहले एक मोनोलिथ बनाते हैं। मोनोलिथ में क्या होता है, एक ही कोड बेस में सारा कुछ रखेंगे, सारा कुछ एक ही रेपोजिटरी में रख रहे हैं और एक ही बार में डायरेक्टली डिप्लॉय कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम इवॉल्व करते हैं, जैसे जैसे हमारे पास यूजर लोड आने लग गया, फॉर एग्जांपल आज 10 यूजर हैं, कल को 10 लाख हो गए, तो 10 लाख यूजर्स क्या चीज़ ज़्यादा कर रहे हैं? हर यूज़र एक एक सर्विस बना रहा है तो सर्विस पे लोड नहीं आ रहा, लेकिन हर यूज़र अगर दिन में 50 बार लॉग इन कर रहा है तो ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल पे लोड ज़्यादा आ रहा है, राइट। हर लॉजिकल कोड पॉइंट का लोड अलग अलग होगा। अब उस चीज़ की मॉनिटरिंग करने के लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं, मतलब पीना नहीं है इसको, लेकिन इसको कहते हैं रम, रियल टाइम यूजर मैनेजमेंट या मॉनिटरिंग। ऐसे काफी टूल्स आते हैं बने बनाए मार्केट में, जो डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं, और जिससे हम देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर चीज पे हिट ज्यादा आ रहा है। ऑथेंटिकेशन पे एक दिन में कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, उसके बेस पे इसको हम बाहर लेके जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अब क्रॉन सर्विस का क्या काम होना चाहिए? क्रॉन सर्विस की सब सर्विसेज की, हर चीज़ को एक सर्विस देखो कि हमें एक कोड है जो एक सर्विस दे रहा है, और हम वी आर लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो हमें सबकी सर्विस मिल रही है, इसका क्या काम होगा? जस्ट टू मॉनिटर और डिटेक्ट चेंज, राइट। ऐसा तो सिर्फ ये काम होना चाहिए। एक्शंस में क्या होना चाहिए? डिफरेंट सिनेरियोस, सेंड ईमेल, सेंड और क्रिएट इंस्टाग्राम पोस्ट, और भी कुछ भी कर सकते हैं, साइट, ब्लॉग, व्हाट्सएप नोटिस और न्यूज़लेटर, कुछ भी, मतलब डिपेंड करता है बिजनेस लॉजिक पे, ठीक है। पेमेंट्स का क्या काम होना चाहिए? टू टेक इन पेमेंट्स, बिल्ड और राइट टू डीबी और पेमेंट, और ऑथेंटिकेशन का क्या होना चाहिए काम? साइन अप ऑफ यूजर, लॉग इन करना यूजर ने, और टेक एक्सेस एज इन लाइक फ्री यूजर को क्या फीचर्स देने हैं, पेड यूजर को क्या देने हैं, या फिर कई सॉफ्टवेयर्स में होता है कि एडमिन को क्या एक्सेस देना है और यूजर को क्या देना, ऐसा, राइट। अब हमने इसको कोड कर दिया, फॉर एग्जांपल सारा ये बन गया, इसमें हमने क्रॉन सर्विस लगा दी और एक्शंस लगा दिया। अब क्रॉन सर्विस पर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, क्रॉन सर्विस को हमने मूव आउट करवा दिया, राइट। अब माइक्रो सर्विसेज का क्या फ़ायदा होता है? अगर हम सब कुछ एक ही रेपो में कर रहे हैं, मतलब सब कुछ एक ही कोड बेस में कर रहे हैं, मान लो सारा कुछ अभी यहीं पर है अपने पास, तो सारा कुछ अपने को एक ही लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। मे बी आई एम यूजिंग पाइथन फॉर दिस थिंग, ठीक है, एक्शंस के लिए और पेमेंट्स के लिए, या फिर क्रॉन सर्विस के लिए, या फाइल प्रोसेसिंग के लिए, फॉर एग्जाम्पल जावा बहुत अच्छी होती है, या फिर जो बहुत ज़्यादा नेटिव लैंग्वेजेज हैं जो आर्किटेक्चर के मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर के डायरेक्टली ऊपर चलती हैं, तो वो ज़्यादा फास्ट होंगी, मे बी रस्ट चाहिए मुझे। तो माइक्रो सर्विसेज में हम अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग सर्विसेज लिख सकते हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट करेंगी, और क्रॉन मेरी कंपनी मान लो ये यूनिकॉर्न बन गया अब ये,
अब इसमें मैंने एक टीम बिठा दी जो सिर्फ क्रॉन सर्विसेज को मॉनिटर कर रही है और इसके अंदर नए फीचर्स डाल रही है, और वो टीम फॉर एग्जांपल से पाइथन में कोड करती है, राइट? तो उनको सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पे मेंटेन करना कंपनी के अंदर, और ये हमारा जो मोनोलिथ है, मोनोलिथ छोटा हो गया। अब जो एक्शंस हैं, एक्शंस मान लो हम स्क्रेपिंग कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, तो एक्शंस के लिए हमने जावास्क्रिप्ट यूज कर ली, एग्जाम्पल पाइथन, यहाँ पर हमने बीएस यूज कर ली। पेमेंट्स के लिए हमने माइक्रो सर्विस खुद नहीं बनाई, सोचो, पेमेंट्स हमने पेमेंट गेटवे के थ्रू ले ली, तो हमने डायरेक्टली स्ट्राइप यूज कर लिया पेमेंट गेटवे। आई विल मूव इट आउट ऐसा। तो कोई भी पेमेंट गेटवे ले लिया हमने, तो हमने इंटीग्रेट कर दिया। और ऑथेंटिकेशन के लिए से फायरबेस यूज कर लिया हमने, राइट? तो अपना काम इतना इतना रह गया कि इनको अलग अलग डेलीगेशन कर दी, अलग अलग टीम्स दे दिया, फिर अलग अलग लोग दे दिए जो अलग अलग सर्विसेज को मेंटेन कर रहे हैं, उनको अप टाइम रखते हैं उनका, लेकिन उनको सर्विस करते हैं और उनको देखते हैं कि कोई सर्विस डाउन ना हो जाए, राइट? समझ आया अभी तक? कुछ किसी को डाउट हो या कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो? हेलो, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अगर चाहो तो एक रिकैप भी कर सकते हो, क्योंकि काफी लोग उसके बाद ज्वाइन किए। कूल, अभी हमने क्या करा, हमने सोचा कि हम एक जॉइंट फैमिली बनाते हैं, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर कोड का जो लॉजिक है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बाकी कम यूज़ हो रहे हैं, तो बाकियों को उतनी रिसोर्सेज नहीं चाहिए, तो हमने सब कुछ ब्रेक डाउन कर दिया और सबको आपस में, मतलब एक हम फिर यूज़ केस बना रहे हैं कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जो चेंजेस डिटेक्ट करेगा और उसके बाद मेल करेगा या फिर अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करेगा, तो उसका एक आर्किटेक्चर सा बना रहे हैं हम, ठीक है? अब इसमें एक और सर्विस चाहिए अपने को, वेब स्क्रैपिंग वाली, यहाँ पे इसको हम से इसी के अंदर ही है, वो इसका ज़्यादा स्प्लिट नहीं करते, ओवर कॉम्प्लिकेट। माइक्रो सर्विसेज हमेशा चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट करती हैं, लेकिन ओवर कॉम्प्लिकेट करना पड़ता है किसी किसी पॉइंट पे, वेब स्क्रैपिंग यहाँ पर, ठीक है? तो इस सर्विस ने क्या करना है, अभी इस सर्विस ने हर 15 मिनट बाद कॉल करना पर्टिकुलर वेब एंड पॉइंट को और चेक करना कि कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ। उस चेंज को मॉनिटर करने के लिए इसको एक लोकल डाटाबेस चाहिए, राइट? एक इसका खुद का डाटाबेस होगा, डीबी, क्रॉन डीबी। क्रॉन डीबी में क्या क्या हो सकता है, एक मान लो एक टेबल है, उस टेबल के अंदर क्या है, तो प्रीवियस कंटेंट, लास्ट चेक्ड कंटेंट, और क्या होगा, चेक डेट, बस दो चीज रख लेते हैं, और साइट का नाम भी आएगा, राइट? इसके बिना आइडेंटिफाई कर, राइट नेम, ऐसा तीन चीजें हैं। हमने फॉर एग्जांपल दिया कि techferment.com को बार बार स्क्रैप करो, और जैसे ही एक नया इवेंट लॉन्च होगा, लाइक एक अगले सैटरडे की टॉक का वेब पेज लॉन्च होगा वहां पर, वैसे ही सारी कम्युनिटी के अंदर ईमेल्स भेज दो, ऐसा हमने एक सिस्टम बनाना। तो इसमें क्या है, आज मैंने techferment को स्क्रैप करा तो मेरे पास एक ये वेब पेज आ गया, ये वेब पेज आ गया, राइट? ये वाला, अब मैंने ये वाला नहीं, इवेंट्स वाला पेज हम पॉइंट करते हैं यहाँ पर, ऐसा ये चीज, ठीक है? अब इसको 15 मिनट बाद देखा या फिर एक दिन बाद देखा और दोबारा देखा तो यहाँ पे एक नया इवेंट आ रहा है, राइट? तो हमने पुराने वाले कंटेंट को नए इनकमिंग कंटेंट से कंपेयर करा, ठीक है? और जैसे ही उसके अंदर कोई परसेंटेज ऑफ चेंज आया बिजनेस लॉजिक के अकॉर्डिंग, इसको हम डिफ चेकर से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना? जैसे ये पुराना कंटेंट था और ये नया कंटेंट है, न्यू इवेंट, अच्छा ये आ गया ना चेंज, ऐसा तो ऐसा चेंज हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ढूंढ लेंगे, गिट के थ्रू या कैसे भी। तो हमें चेंज मिल गया, चेंज मिलते ही हमने क्या करा, हमने एक एक्शंस वाले इसका एंड पॉइंट है, फॉर एग्जांपल स्लैश एक्शंस स्लैश ईमेल, ठीक है? इस सर्विस ने इस एक्शंस वाले एंड पॉइंट को कॉल करा, ऐसा एक रेस्ट एपीआई कॉल गई
इस ईमेल वाली ने क्या करा, अब इस ईमेल ने जो भी हमारा ईमेल प्रोवाइडर है, जो एक और माइक्रो सर्विस है बिहाइंड द सीन, उसको कॉल करा और सबको ईमेल्स भेज दी ऐसा। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो गया। अब इस सारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को इकट्ठा कैसे करना है, लाइक सर्कस चल रहा है अभी है, तो हर एनिमल का एक रिंग मास्टर चाहिए अपने को जो सबको कोऑर्डिनेशन में चलाए। तो उसको चलाने के लिए अगर हम क्लाउड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जिसको कहते हैं एपीआई गेटवे। ये हमारा क्लाउड सिस्टम है। लेट्स रिमूव राम, अभी 7 बज गए वैसे। ये मान लो क्लाउड सिस्टम है अपना, कुड बी एनीथिंग, AWS, Azure, GCP, अच्छे वाला, मतलब हेरोकू वगैरह नहीं, क्योंकि वो तो बहुत एब्स्ट्रैक्टेड है, उनमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसके अंदर एक चीज आएगी, एपीआई गेटवे, एपीआई। अब एपीआई गेटवे क्या करता है, एपीआई गेटवे सबको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल एक एक्सटर्नल क्लाइंट है, मान लो मैं एक यूजर हूँ, यूजर वाला आइकन कैसे बनेगा यहाँ पर, वॉट एवर से आम यूजर यार, ठीक है, गोल मटोल सा बना देता हूँ। तो ये यूजर ने फॉर एग्जांपल एक क्रॉन जॉब शेड्यूल करनी है, यहाँ पर हमने क्रॉन जॉब शेड्यूल करनी है, सर्विस को कॉल करना है। तो इस सर्विस को कॉल करने से पहले क्या होगा, एपीआई गेटवे पहले जाएगा ऑथेंटिकेशन के पास इंटरनली, ऑथेंटिकेशन के पास जाके चेक करेगा क्या ये पर्टिकुलर यूजर लॉग इन है और क्या इसके पास एक्सेस है। मान लो एक पेड यूजर ही इस सर्विस में क्रॉन जॉब बना सकता है, लेकिन मैं मान लो पेड हूँ या नहीं, वो चेक करेगा। जैसे ही वो चेक हो जाता है ऑथेंटिकेशन सर्विस से या फिर एपीआई गेटवे से, वो चीज़ पास हो जाती है, उसके बाद वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, इंटरनली राउट होकर वो रिक्वेस्ट जाएगी क्रॉन सर्विस पे, क्रॉन सर्विस रजिस्टर हो जाएगी, मतलब क्रॉन जॉब रजिस्टर हो गई और यूजर को वो डन मिल जाएगा, मतलब हो गया, या फिर स्टेटस 200 मिल जाएगा। इसमें क्या हुआ, इसमें सारी कोऑर्डिनेशन किसने करवाई, लाइक किसको पता लगा कि रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी, एक्सटर्नल रिक्वेस्ट, वो एपीआई गेटवे ने राउटिंग करी। तो अभी मैं अकाउंट में एक बार लॉगिन करके दिखाता हूँ, एपीआई गेटवे, नीड टू फिल इन सम पासवर्ड्स एंड स्टफ। अभी तक किसी को कोई डाउट इश्यू या कोई सजेशन? नए अनुभव मेरे को एक बात समझ में आई अभी तक। हाँ, या वो न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली वाला एग्जांपल बहुत बढ़िया था। तो अगले बार कोई शादी के लिए, रिश्ते के लिए जाना, और वो सामने वाला बंदा या बंदी आईटी वाली हो, तो उससे पूछ लेना, यू लाइक माइक्रो सर्विस वन मोनोलिथ, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि तुम्हें न्यूक्लियर फैमिली पसंद है या ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली डेफिनेटली। जस्ट अ मिनट, आई एम सम इश्यूज। ये बहुत यार, एमएफए कोड्स आर लाइक रियल पेन, 890952। आई थिंक मोनोलिथ्स आर गुड अंटिल यू रियली नीड, लाइक जब तक रिसोर्सेज का इशू नहीं है तब। तो आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन, स्क्रीन दिख रही है मेरी? हेलो, या तो ये बैग, लाइक AWS का डैशबोर्ड है, एंटर करते हैं साथ साथ। भी हम एपीआई देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हम कुछ बना रहे थे, मैं दिखाता हूँ। अब ये एक पर्टिकुलर एपीआई गेटवे का यूआरएल है, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, मतलब एंड पे जेसन या कुछ आंसर देना है इसलिए। इसको हम एपीआई गेटवे का एक एंड पॉइंट है ऐसा,
ठीक है। अब ये स्लैश डिफॉल्ट है ना, जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अलग अलग यूआरएल हो सकती है, स्लैश डिफॉल्ट है, ये स्लैश क्रॉन हो सकता है ये एपीआई में, ठीक है, और इसका स्लैश एक्शन हमने जैसे लिखा हुआ है, स्लैश पेमेंट्स और स्लैश ऑथेंटिकेशन, ऐसा अलग अलग राउट्स हैं सबके, और एपीआई गेटवे इंटरनली सबको राउट करता है, ये है। तो तो कुछ वैसे इतना खास अटैच करा नहीं हुआ, उसके अंदर हम काफ़ी सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कॉर्स कॉर्स होता है कि अलग अलग साइट से अगर रिक्वेस्ट आ रही है, मान लो मैं AWS.com पर हूँ और मेरे API को कोई Google.com से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो उसको अलाउ करना या नहीं करना, तो अलग अलग पॉलिसीज अलग अलग रूल्स हम सेट कर सकते हैं इस पर, राइट। थ्रॉटलिंग कर सकते हैं, थ्रॉटलिंग एज इन कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद रिक्वेस्ट को रोक दें, उसके बाद ओवरलोड नहीं होना चाहिए, तो सर्वर पर अटैक्स वगैरह होने से ये रुकता है अपने आप को। तो ऐसे काफ़ी काफ़ी पावरफुल चीज़ है API गेटवे, क्योंकि वो रिंग वो है रिंग मास्टर है अपना, राइट। अब ये पर्टिकुलर सर्विस का मैं आगे बताओ कैसे चल रहा है, मैं इसका डेमो दिखाऊँ, क्योंकि मैं इस पर ये वाला पार्ट हमने सॉर्ट ऑफ बना रखा है, राइट। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाएगा तो मैं कोड दिखा सकता हूँ, वरना अगर ऐसे थियोरेटिकली पढ़ना है या फिर देखना है तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, इट्स ऑल ऑन योर एंड। लेट्स गो फॉर कोड वंस ना, थियोरेटिकली कुछ ज़्यादा ही थियोरेटिकली हो जाएगा फिर, एटलीस्ट थोड़ा तो ऐसे इंजीनियर हमें कोड ही करना है हर दिन, एंड पे तो कोड करना ही पड़ेगा। जैसे ये मैं क्रॉन सर्विस बना रहा हूँ अभी, राइट, तो इसको मैंने एक माइक्रो सर्विस की तरह सोचा, .py स्टार्टअप शुरू हो गया, ये रहा, ठीक है। अब इसमें एक ये एंड पॉइंट है, ये इसको डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं, लाइक API डॉक्स नहीं, और इसमें एक एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट में क्या क्या देना हमने, कि जॉब किस तरह की, जो हमने ये पूरा स्ट्रक्चर देखा ना, इसमें सिर्फ इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ क्रॉन सर्विस जो मॉनिटरिंग कर रही है, राइट, या फिर क्रॉन सर्विस जो कोई भी क्रॉन जॉब एग्जीक्यूट करवा रही है। तो जॉब टाइप क्रॉन का एक्सप्रेशन, क्रॉन एक्सप्रेशन ऐसा होता है, से 4:05 पे अलार्म लगाना है, जैसे तुम्हारे फोन में भी जब तुम रात को अलार्म लगाते हो ना, तो वो भी इंटरनली एक क्रॉन एक्सप्रेशन सेट करते हो, सिंपलेस्ट क्रॉन ये होती है, इसका मतलब हर मिनट इस चीज़ चलेगी, या फिर अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं, लाइक एवरी मिनट इन जनवरी, लाइक फर्स्ट मंथ में चलना करो, बट एवरी मिनट मिनट की जगह पे एवरी 4 मिनट फोर ऑन डे, मतलब अलग अलग एक्सप्रेशन बना सकते हैं यहाँ पे, खेल के देखना थोड़ा सा, अच्छी चीज़ है टॉयज। तो मान लो मैंने हर मिनट एक क्रॉन जॉब चलानी है, क्रॉन एक्सप्रेशन में कर दूंगा, लेट मी जस्ट ट्राई इट आउट। अभी इसके अंदर कोई सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ मैंने, तो ओपनली इसको कॉल कर सकते हैं, राइट। अब आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जो पर्टिकुलर हमने चीज़ शेड्यूल करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने टेक फर्मेंट को वो करना है, टेक फर्मेंट को मॉनिटर करना है, तो टेक फर्मेंट मुझे इनपुट भी देना पड़ेगा ना, कि टेक फर्मेंट को ही मॉनिटर करना है मैंने, तो वो आर्ग्यूमेंट्स में जाएगा, आर्ग्यूमेंट एज एन इनपुट्स में, तो ये मैं स्ट्रिंग इनपुट दे सकता हूँ। अब यहाँ पे ये क्या है, स्लैक नोटिफिकेशन, स्लैक नोटिफिकेशन मतलब कि स्लैक चैनल पे नोटिफिकेशन डालना, राइट। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, वैसे ये हो गया एग्जीक्यूट, राइट। अब इसका कोड देखते हैं, कोड में क्या हुआ, एक API है अपने पास, कोई घबराना नहीं, सिर्फ 2-4 लाइन ही लिखाऊंगा मैं, मतलब जिसने ये कोड है, इंक्रीज कर देना फॉन्ट साइज, ठीक है इतना। अभी क्या है कि हमने एक क्रॉन जॉब बनाई, क्रॉन जॉब में क्या हुआ कि इनपुट डाटा में हमने जॉब टाइप रखा हुआ है, तो जो हमने स्लैक नोटिफिकेशन डाला ना, ये
इस स्लैक नोटिफिकेशन के बिहाफ पर एक जॉब मैप बनाया हुआ मैंने, ये वाला, इसमें स्लैक नोटिफिकेशन के बिहाफ पर ये वाली क्लास में जॉब बनेगी, राइट, ऐसा। तो ये मैंने इनपुट दिया, इसको मैंने मैप करवाया हुआ है। मैप करवा के क्या करा मैंने, मतलब इस इनपुट पे ये वाला लॉजिक शेड्यूल कर दो। और ये लॉजिक क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कॉल है, ये एक मतलब एक टेक्स्ट है, और ये स्लैक पे नोटिफिकेशन भेज रहा है इस यूआरएल पे, राइट, हर मिनट भेज रहा है। और हर मिनट का मैंने वो डाल दिया था ये वाला क्रॉन एक्सप्रेशन। तो अभी हम देखते हैं क्या हो रहा है स्लैक पे। स्लैक रीलोड, इंटरनेट इज वर्किंग, ये देखो ये आ गया 7:32 पर, स्लैक पे एक नोटिफिकेशन आ गया अपनी कम्युनिटी में, राइट। तो अभी अभी एक मिनट बाद दोबारा एग्जीक्यूट होगा ये, लेट्स सी, हमने हर मिनट पे करा था, ये हो गया एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट होते ही एक नया यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोसेस को कंटिन्यूस कर रहे हैं। अब इसी चीज़ को अगर हम करेंगे फॉर एग्जांपल मॉनिटरिंग में, जो अभी हमने डिस्कस करा था लास्ट यूज केस, तो उसमें इस लॉजिक की जगह पर क्या लॉजिक होगा, हमने सिर्फ इस चीज़ को चेंज करना है। क्या लॉजिक होगा, सिर्फ रफ कोड कर लिख के दिखा रहा हूँ मैं, लाइक पहले तो हम करेंगे गिवन आर्गुमेंट, आर्गुमेंट से ये रहा ना, आर्गुमेंट इज लाइक यूजिंग से BS4 वेब स्क्रिप्टिंग, आर्गुमेंट इज वेब यूआरएल। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए अपना, हेलो, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए बताओ। जो वेबसाइट है उसे हमें स्क्रैप करना होगा, जो लोग मुझे डेली मिलते हैं रितेश वो तो बोलो। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा फेच सेम वेबसाइट यूजिंग जॉब आईडी, जॉब आईडी मान लो हर जॉब की एक यूनिक आईडी है, फ्रॉम डाटाबेस, ठीक है। इससे क्या होगा, अपने पास पुराना कंटेंट आ गया, मतलब लास्ट एग्जीक्यूशन का। अब क्या करेंगे, कंपेयर, कंपेयर बोथ, इफ इफ कंपैरिजन में मान लो डिफरेंस आया, इफ इज ग्रेटर देन से 30% या 20%, 20% देन टू कॉल एक्शंस एपीआई, ठीक है। हमने इस चीज़ को रिप्लेस करके इतना इस लॉजिक को अगर हम लगा देंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्रॉन सर्विस ने जैसे ही चेंज डिटेक्ट करा, उसने एक्शंस एपीआई को कॉल करा यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। और एक्शंस एपीआई को कॉल करते करते ही एक्शंस ने अपना एक्शन परफॉर्म कर देना, लाइक ईमेल भेज दी या फिर जो भी और चीज़ हुई, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई, राइट, इतना हमने प्रोसेस कर लिया। अब इसमें इशू क्या है, अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते, अगर हम मोनोलिथ में होते तो हमने एपीआई कॉल नहीं करनी थी, हमने डायरेक्टली फंक्शन कॉल कर देना था। फॉर एग्जांपल मानो यहाँ पर एक नया मॉड्यूल होता, ओके, चलो कम्युनिटी के लिए कुछ भी मैं कोड बेस खराब करके दिखा रहा हूँ। मान लो एक मॉड्यूल होता नया, यहाँ पर ईमेल डॉट सेंड ईमेल डॉट पाए होता फंक्शन, ठीक है, वेट, ठीक है, ये क्या होगा, वेट वेट, गलत जगह पे फाइल बन गई, यहाँ पर न्यू फोल्डर एक्शंस, नई फाइल एंड ईमेल डॉट पाए, ठीक है, यहाँ पर फंक्शन बना देता हूँ डेफ send email, तो ये एक फंक्शन है, तो
एग्जीक्यूट होगा राइट. मैंने क्या करना है एंड पे कॉल एक्शन एपीआई की जगह पर इस लाइन की जगह पर सीधा मैंने सेंड ईमेल कर देना और इसके अंदर ईमेल लिस्ट दे देंगे और चेंज समरी दे देंगे या फिर जो भी डिफ निकला वो ऐसा ये फंक्शन कॉल कर दिया. अब इसमें क्या है अगर एक ही सर्वर पे कॉल हो रहा तो मुझे कोई इशू नहीं है डायरेक्टली मुझे पता है कि बहुत अच्छे चांसेस में एग्जीक्यूट हो जाएगा ईमेल भेजता भेजता सर्वर क्रैश नहीं कर जाएगा. बट अगर मैं एक एक्सटर्नल सर्विस को एक एक्सटर्नल माइक्रो सर्विस को कॉल कर रहा हूँ तो मैं एक नेटवर्क रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ नेटवर्क में कोई इशू आ गया या फिर वो पर्टिकुलर सर्विस ये वाली सर्विस ये डाउन थी या ओवरलोडेड थी तो इस ओवरलोड के अंदर ये रिक्वेस्ट को सर्व नहीं कर पाई और रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या आया मान लो स्टेटस कोड्स पता है ना सबको. हेलो यस यस 404 502 ऐसा. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 502 आ गया या फिर 504 आ गया टाइम आउट हो गया. टाइम आउट का क्या मतलब हुआ कि ये पर्टिकुलर सर्विस डाउन है मतलब ये एपीआई नहीं चल रहा एक्शंस एपीआई का. तो मैं क्या करूँगा एक टेक्निक होती है रीट्राई. एक मान लो एक मैंने वाइल स्टेटस इज नॉट इक्वल्स टू इज नॉट नन या फिर स्टेटस इज नॉट इक्वल्स टू 200 तो मैं सेंड रिक्वेस्ट मान लो ऐसा एक मैंने कोड चला दिया जब तक मुझे ईमेल्स नहीं भेजी जाती तब तक रिट्राई करते रहो. लेकिन इसमें दिक्कत क्या है इसमें कि ये जो ये अभी चल रहा है देखो बेचारा और ये लास्ट टाइम मैं एक बार शायद रात को चलता हुआ छोड़ गया था इसको चलता रहा ये जब तक कंप्यूटर बंद नहीं कर गया. तो अब हमने रिक्वेस्ट भेजी रिक्वेस्ट फेल हो गई हमने रिट्राई मैकेनिज्म लगा दिया रिक्वेस्ट दोबारा भेजते रहो एक लूप में ठीक है. लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ये सर्वर बेचारा पहले ही डाउन है इसके पास पहले रिसोर्सेज नहीं है फिर ये क्रैश कर चुका है और मैं इसके ऊपर रिक्वेस्ट और ज़्यादा भेजने लग गया तो उससे क्या होगा ये उठ ही नहीं पाएगा कभी ये दोबारा रिकवरी नहीं कर पाएगा राइट. तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे एक रिट्राई की जगह एक्सपोनेंशियल रिट्राई लगा देंगे एक्सपोनेंशियल रिट्राई. और एक्सपोनेंशियल रिट्राई में क्या होता है कि पहले हम क्या करेंगे टाइम डॉट फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड के लिए कितनी बार ट्राई कर रहे हैं हम मान लो जीरो ठीक है जीरो फर्स्ट ट्राई तो करेंगे वैसे यहाँ पे एक फार्मूला सा बना लेते लाइक टू की पावर राइस ऐसा. तो पहली रिक्वेस्ट में अगर मान लो मैंने दो सेकंड के लिए वेट करा दूसरी रिक्वेस्ट में 4 सेकंड के लिए वेट कर रहा हूँ तीसरी रिक्वेस्ट में मैं उससे बाद ज़्यादा वेट कर रहा हूँ इससे क्या होगा कि सर्वर को रिकवर करने का टाइम मिलेगा और एकदम से उसके ऊपर रिक्वेस्ट नहीं जाएंगी फेलियर के बाद. तो ये चीज़ लगानी बहुत ज़रूरी होती है माइक्रो सर्विस में या फिर एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में. अब ये भी नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल कि ये कम्युनिकेशन हमारा फिर से फेल हो गया तो इसको हम क्या करेंगे ट्राई उसके बाद ट्राई कैच में लगाकर उसके बाद कॉल एंड अल्टरनेटिव अब इसमें क्या है फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट है कोई भी वेबसाइट का नाम बोलो अच्छी वाली कोई भी प्रोडक्ट tango.us काफी मस्त प्रोडक्ट है ये मान लो इनका लॉगिन है राइट इस लॉगिन में फॉरगॉट पासवर्ड है या फिर साइन अप है साइन इन विद ऐसा. तो ये क्या करते हैं ये वेरिफिकेशन ईमेल भेजते हैं ना वेरिफिकेशन ईमेल फॉर एग्जांपल से सेंडग्रिड से भेज रहे हैं सेंडग्रिड ठीक है ये इनका एक ईमेल डिलीवरी एपीआई है. अब सेंडग्रिड एक माइक्रो सर्विस की तरह एक्ट कर रही है हमारे प्रोडक्ट के लिए हम उसको कॉल करते हैं और वो ईमेल भेज देती है हमें उसके ज़्यादा कोई मतलब नहीं. लेकिन अब अगर सेंडग्रिड रैंडमली डाउन हो जाती है रैंडमली ब्रेक डाउन कर जाती है तो फिर हमारी पूरी कंपनी का या हमारे पूरे प्रोडक्ट का साइन अप रुक जाएगा. साइन अप रुकने से क्या है कि नए कस्टमर नहीं आ पाएंगे और इकोनॉमिक लॉस होगा राइट. तो हम क्या करेंगे ट्राई एक्सेप्ट लगाकर एक्सेप्ट में एक और नई सर्विस रख देंगे
जो सेंडग्रिज नहीं है, कोई और है, सेंड इन ब्लू हो सकती है, ब्रेवो नाम चेंज हो गया आपका, ये वाली। तो एक अलग सर्विस लगा दी ईमेल भेजने के लिए, तो इसको कहते हैं कॉल बैक लगा दिया हमने। तो जब हम माइक्रो सर्विसेज में डील कर रहे हैं तो हमें ऐसे फॉल बैक्स, ऐसे एक्सपोनेंशियल डिलेज, टाइम आउट्स, ये सब कुछ ध्यान में रखकर चलना पड़ता है। मैं सर्वर बंद कर देता हूँ वरना वो चलता रहेगा नोटिफिकेशन वाला, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के ये ड्रॉबैक्स भी हैं जो अपने को डील करने पड़ते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी। इसके बाद एक्शंस हो गया, और जैसे ऑथेंटिकेशन, अब इसका एक एग्जांपल डील करते हैं। ऑथेंटिकेशन ने क्या करना है अपने पास, इसका रोल क्या होना चाहिए? ये ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल है। अब इसने रिक्वेस्ट ली यूजर से, से ईमेल, ईमेल प्लस पासवर्ड मिला इसको। इसने क्या करा, इसने अपने को एक टोकन बना दिया, एक कुकी बना दी, की वापस कर दी। ऑथेंटिकेशन का काम सिर्फ इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा काम नहीं होना चाहिए आइडियली, ठीक है। जैसे अगर हम फायरबेस यूज़ करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, किस किस ने फायरबेस या सुपाबेस या कुछ ऐसा यूज़ करा हुआ? हेलो, फायरबेस कूल। अगर मान लो फायरबेस यूज़ करते हो, तो तुमने फायरबेस को ईमेल पासवर्ड दिया, उसने तुम्हें टोकन जनरेट कर दिया, तुम फायरबेस को एज अ माइक्रो सर्विस यूज़ कर रहे हो अपने प्रोडक्ट में। लाइक एक थर्ड पार्टी माइक्रो सर्विस है जो तुम आउटसोर्स कर रहे हो, तुम्हें उसको मेंटेन नहीं करना, कुछ नहीं करना, सारा झंझट वहाँ पे चला गया ऐसा, ठीक है। तो मार्केट में काफ़ी टूल्स भी हैं ऐसे, लाइक यूज बेसिक, काफ़ी अच्छी टेम्पलेट है मेरे पास इसका, वो है प्रो प्लान ऐसा। इसमें क्या, इसमें सारी सर्विसेज लिखी हुई हैं पेमेंट्स और ऑथेंटिकेशन की। हमने सिर्फ अपना बिजनेस लॉजिक डालना और प्रोडक्ट इज गुड टू गो, काफ़ी कुछ बना हुआ इसमें ऐसा, टीवी मैनेजमेंट ये वो। तो काफ़ी चीज़ें बनी बनाई आने लग गई अभी तो हमें, मतलब अगर नया प्रोजेक्ट बनाना तो इन चीज़ों की ये बना बनाया मिल जाएगा, ठीक है। और इसको जो तुम्हारा कोर बिजनेस लॉजिक है, सिर्फ उसको कोड करके यू कैन जस्ट ड्रॉप इन टू प्रोडक्शन, और उसको एज अ साइड प्रोजेक्ट बेचना शुरू कर दो, यू लर्न गुड मनी। और एक अच्छी जॉब से ज़्यादा तो तुम साइड प्रोजेक्ट से कमाने लग जाओगे। जैसे इफ यू गो टू ट्विटर, ये अच्छे लोग हैं, तो ये बंदा है, इसने ये बनाया था। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, एक प्रोडक्ट है जिसमें आपने गूगल डॉक्स में ब्लॉग लिखा और उसको एक वर्डप्रेस की वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया डायरेक्टली ब्लॉग से, और इससे ये बंदा 50-60 हज़ार रुपये महीने के कमा लेता है। और भी काफ़ी चीज़ें बनाई थी इस बंदे ने, इसने ये बनाया था। ये थोड़ा सा डेवलपर एंड पे हो गया, और फिर इजी ब्लॉग, डॉक्स राइट, ये भी इसने, इसकी तो ये तो कंपनी पे सही है, ब्लॉग लिखने के लिए एक सॉफ्टवेयर बना दिया। और ये बंदा जॉब छोड़ के यही कर रहा है। तो यूज नेक्स्ट यूएस वाला इज गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, तो उसने एक बार ये सैस प्रोडक्ट बना लिया और ये सैस प्रोडक्ट ही बना के चला रहा है। ही लेफ्ट हिज जॉब एंड ही इज लिविंग अ गुड लाइफ नाउ। तो इट्स काफ़ी कुछ है जो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, और एक पाथ नोट टेकन होता है ना वैसा, वहाँ पर चल सकते हो। आई थिंक मोस्ट ऑफ इट यही था माइक्रो सर्विसेज के। हमने फ़ायदे देख लिए कि कैसे हम हर चीज़ को इंडिविजुअली स्केल कर सकते हैं, या फिर जैसे ऑक्टोपस है ना, ऑक्टोपस की एक लात काट दो सारा ऑक्टोपस नहीं मर जाएगा, राइट। वैसे ही माइक्रो सर्विसेज हैं, अगर ऑथेंटिकेशन डाउन हो गई तो जो लोग पहले लॉग्ड इन है तो वो चलती रहेंगी, वो उनको कोई इशू नहीं आएगा ऐसा। तो माइक्रो सर्विसेज फ़ायदे भी देती हैं और नुकसान भी देती हैं। काफ़ी रिसेंटली एक ब्लॉग वायरल हुआ था अमेजोन प्राइम मूविंग क्रोम, ऐसा। वैसे टेक्निकल ब्लॉग्स या फिर आर्किटेक्चर डिसीजन जो कंपनी लेती है ना, उनको पढ़ते रहा करो। आई गेट अ पेड प्लान बट चल रहा है, लेकिन अभी तो अमेजोन का ऑफिशियल ब्लॉग भी था इसके ऊपर, दैट वुड बी गुड वन। तो
न्यूज़ में तो काफी था, इसका ऑफिशियल ब्लॉग मैंने देखा था, सेव्ड कॉस्ट 190%। ये भी वैसे तो हाँ, ये रहा, ये भी काफी अच्छा। तो इसमें देखना ये आर्किटेक्चरल डायग्राम्स लाइक वो कैसे कर रहे थे और उनको वापस क्यों आना पड़ा माइक्रो सर्विसेज से, राइट? ऐसा। और किसी को कोई डाउट या कोई चीज? ये हाँ, ये वाला था ऑफिशियल वाला कंप्यूटर टेक। किसी को कोई डाउट या कुछ समझना हो अभी, कुछ फीडबैक हो? अनुभव, वन क्वेश्चन. लेट सपोज वन माय देयर इज वन डेटाबेस आई नीड टू शेयर विथ मल्टीपल माइक्रो सर्विसेस, राइट? कभी या कभी सिनेरियो ऐसे होते हैं, राइट? डेफिनेटली अब उस केस में क्या, मतलब मोस्ट कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक ड्यू टू सम नेटवर्क लैग और समथिंग, थोड़ा डेटा इनकन्सिस्टेंसी या रेट रेस कंडीशन हो जाते हैं. मतलब तुमने डीबी में अपडेट किया वो, और वो दूसरा माइक्रो सर्विस फेच करने की कोशिश कर रहा है, वो मिला नहीं उसे, या फिर ऐसा इनकन्सिस्टेंसी होती है. तो इस तरह के कंडीशन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे? मैंने इसके इसके साथ काफ़ी डील करा प्रैक्टिकली, और काफ़ी गंदा डील करा मैंने इस प्रॉब्लम के साथ। इट्स लाइक अगर एक डाटाबेस आपको शेयर्ड चाहिए मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज में, तो आपको आर्किटेक्चर ओवरहॉल करना चाहिए वैसे तो आइडियली, कि जो माइक्रो सर्विस एक है उसका काम सिर्फ एक पर्टिकुलर बिजनेस लॉजिक जितना ही होना चाहिए। बट जब हम मोनोलिथ से ब्रेकआउट होकर माइक्रो सर्विसेज में जाते हैं तो काफ़ी मॉड्यूल्स, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि जो पेमेंट्स और ऑथ वाला था वो एक ही डाटाबेस पे राइट करेगा, राइट? तो हमें सॉर्ट ऑफ रिडंडेंसी लानी पड़ती है, लाइक डाटा डुप्लीकेट रखना पड़ता है अलग अलग जगह पर, ताकि हर माइक्रो सर्विस अपने कॉन्टेक्स्ट में वो ले फुलफिल रहे सर। एक अगर फॉर एग्जांपल ये ऑथेंटिकेशंस एक्शंस को मूव कर रहे हैं, या फिर ऐसे सोच लो कि एक जैसे मेरे पास एक इशू था, मेरे पास एक पाइपलाइन जा रही है, पाइपलाइन एज इन एक क्यू जा रहा है, एक क्यू जा रहा है और इस क्यू के साथ एक काफी सारे कंज्यूमर्स जुड़े हुए हैं, तो उस क्यू में से डाटा लेके उसको प्रोसेस करते हैं, राइट? अब ये सभी इसके साथ जुड़े हुए हैं, तीन चार जो भी है ऐसा, सभी क्यू से कंज्यूमर डाटा लेते हैं। एरो उल्टा बनाना चाहिए था चलो, लेकिन अब समझ लो कि एरो इस जगह पॉइंट कर रहा है। अब ऐसा है कि मान लो क्यू में मैसेज आया, उसको इस कंज्यूमर ने पुल कर लिया, इस कंज्यूमर ने वो उसको प्रोसेस कर रहा है, और वही मैसेज क्यू में दोबारा आ गया फॉर एग्जाम्पल एक बग की जगह पे, बग के कारण या फिर यूजर एरर के कारण, तो हम कैसे इंश्योर करें कि ये वाला कंज्यूमर उसी मैसेज को प्रोसेस ना कर दे? या फिर एक डिलीशन वाली माइक्रो सर्विस है जो डेटा डिलीट कर रही है, एक अलग सर्विस, एक ये डिलीशन वाली सर्विस है, हम कैसे इंश्योर करें कि जो ये वाली सर्विस है ये डाटा प्रोसेस कर रही है और यूजर ने मान लो डिलीट बटन दबा दिया बोर होकर प्रोसेसिंग से, मान लो वो फाइल अपलोड कर रहा है और अपलोड होने से पहले उसने डिलीट बटन दबा दिया प्रोसेसिंग के टाइम पर ही, लेकिन इसको प्रोसेसिंग होने के बाद कैसे डिलीट करें? क्योंकि अगर हम बीच में ही डिलीट कर देंगे, फॉर एग्जांपल एक फाइल है, फाइल वन, ठीक है, मेरा गोल क्या है, फाइल को रीड करके उसमें से सारे वोल्स निकालना या फिर सारे नॉन इंग्लिश अल्फाबेट्स, नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स निकालने मैंने फाइल में से। अब उसको निकाल के एक डीबी में सेव करना है, 7 DB, ठीक है, ये फाइल में से मैं ये कर रहा हूँ, ये प्रोसेस कर रहा हूँ, राइट? अब डिलीशन वाला प्रोसेस क्या करता है, डिलीशन वाले प्रोसेस के लॉजिक ने फॉर एग्जांपल पूरी फाइल ही डिलीट कर देनी है मेरी, राइट? तो इसको प्रिवेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने एक एक नया सेंट्रलाइज डीबी बनाया, एक नया डाटाबेस बनाया जिसको ये कंज्यूमर भी कनेक्टेड है ये वाले ऐसा, और इससे डिलीशन वाला एपीआई भी कनेक्टेड है। जैसे ही मेरे पास कंज्यूमर में फाइल आई, मैंने उसको डीबी में उसका स्टेटस चेंज कर दिया प्रोसेसिंग पर,
डीबी कुछ भी हो सकता है, मोंगो डीबी हो सकता है, रेडिस यूज कर सकते हैं अगर बहुत फास्ट काम कर रहे हैं, या फिर आरडीएस हो सकता है। तो जैसे ही वो प्रोसेसिंग पे हो गई मतलब सेटिंग, तो उसके बाद डिलीशन रिक्वेस्ट फेल होनी शुरू हो जाएंगी, राइट। लेकिन एक लेकिन यूजर की डिलीशन रिक्वेस्ट फेल होनी शुरू हो गई, मैंने ओवरराइट कर दिया कि इन प्रोसेसिंग फाइल को डिलीट नहीं करना, क्योंकि अगर मेरे पास फाइल ही नहीं रहेगी और कंज्यूमर चलता रहेगा तो मेरे पास लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ मेमोरी हो रही है, और कंज्यूमर एक रैंडम जगह पर डीबी में लिख रहा है जिसका मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैंने उसका पॉइंटर डिलीट कर दिया, राइट। तब एक जगह है उसका एड्रेस मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन उस एड्रेस के अंदर मैं अपना सामान रख रहा हूँ गोडाउन में, तो मैं उसको रिकवर कर ही नहीं पाऊंगा बाद में, डेंगलिंग हो जाएगा, उसको डेंगलिंग कहते हैं, राइट। तो इसके बाद मैंने क्या करा, जैसे ही कंज्यूमर प्रोसेसिंग कंप्लीट करता है, डीबी पर मॉनिटर लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर भी ठीक है, जैसे ही कंज्यूमर प्रोसेसिंग कंप्लीट करता है उसके बाद मैं एक नई कॉल करता हूँ डिलीशन से, ऐसा। अब वो डिलीशन को चेक करेगा, डिलीशन डीबी में चेक करेगा क्या इसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है, और जैसी प्रोसेसिंग होगी होगी उसको डिलीट बाद में करेंगे, लाइक प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद, पूरा प्रोसेस होने के बाद डिलीट करेंगे, इंस्टेड ऑफ बीच में डिलीट करने के। क्योंकि बीच में डिलीट करने से क्या होगा, डीबी में जो आधे इंग्लिश कैरेक्टर्स हैं वो तो सेव हुए डिलीट हो जाएंगे, लेकिन जो प्रोसेसिंग चल रही है उसके बाद वाले वो सेव होते रहेंगे, ऐसा। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ा। और इसमें ये जो ये नेटवर्क कॉल्स जा रही है ना अलग अलग, ये नेटवर्क कॉल्स ओवरहेड है ये माइक्रो सर्विसेज का, अगर ये एक मोनोलिथ होता तो इतनी कॉल्स नहीं करनी पड़ती अपने को, आई थिंक ऐसा कुछ सिनेरियो होगा। यस 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 अनुभव, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी, आदित्य ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, प्लीज एक बार चैट में पढ़ लेना। Scaffold, I haven't used scaffold much. It's like this to deployment pipeline, right? हमने कोड लिखा और पुश करा सी एल आई से और वो सर्वर पे चला गया, तो इसमें इशू क्या हो रहा है? आदित्य बोल सकते हो तुम भाई। हाँ हाँ, भगवान ने जुबान दी है, खुश रहो। I think आदित्य left the call. Oh, oh, hello. Sorry. Hello. Yeah. Hello. Actually, वो scaffold हम use करके उसको डेवलपमेंट सर्वर पे टेस्ट करते हैं ना, तो जैसे कोड चेंजेस करते हैं तो वो डायरेक्ट अपडेट हो जाता है मतलब डेवलपमेंट सर्वर पे, ठीक है। पहले हो जाता था और एक स्टेज के बाद हम जब कोड चेंजेस करते हैं तो हमको दोबारा फिर से स्कैफोल्ड को रीस्टार्ट करना पड़ जा रहा है। इसमें ना काफी अलग अलग चीजें होती है, लाइक बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक जैसे होता ना, सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट या फिर मोस्ट प्रोबेबल रूट कॉज पता क्या हो सकता है, कि तुम्हारे कोड के अंदर कोई इशू है। कोड के अंदर इशू कैसे, फॉर एग्जांपल तुम एक डाटाबेस से कनेक्टेड हो, राइट, और डाटाबेस के अंदर तुमने लोकली एक नया कॉलम बनाया। अब जो स्टेजिंग है तुम्हारे सर्वर का डाटाबेस है उसके अंदर वो कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। जैसे तुमने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करा, वो एप्लीकेशन स्टार्ट ही नहीं होगी क्योंकि कॉलम मिसिंग है, वैलिडेशन फेल हो गई, या फिर तुमने एक नया एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाया, वो एनवायरनमेंट वेरिएबल ऊपर सर्वर में मिसिंग है, तो एप्लीकेशन स्टार्ट ही नहीं हुई। जब एप्लीकेशन स्टार्ट ही नहीं ना हो पाती तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जैसे स्कैफोल्ड है या फिर जो भी अच्छी पाइपलाइंस हैं वो ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट करती हैं, कि जब तक नया कोड नहीं चलेगा तब तक पुराने कोड को रिप्लेस नहीं करेंगे, तो अगर नया कोड चल ही नहीं रहा तो पुराना कोड रिप्लेस नहीं होगा, ऐसा, ठीक है। तो ये इशू हो सकता है, ये लॉग्स में देख के बहुत इजीली मिल जाता है कि ये हुआ। और एक इशू पता क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्कैफोल्ड है, ऑब्सिडियन में जाते हैं, यहाँ पर आ जाओ, ये बहुत बहुत ज्यादा गंदा इशू है, ये सोचना भी बड़ा वो है, लाइक काफी डिफिकल्ट टू डीबग है। इसमें क्या है, जैसे एक इलास्टिक कंटेनर है, इलास्टिक कंटेनर या फिर एक क्लस्टर है ये, ठीक है,
क्लस्टर के अंदर एक सबनेट है, ऐसा मतलब एक सबनेट के साथ अटैच्ड है, राइट? एक सबनेट है और ये क्लस्टर है। अब एक सबनेट के अंदर एक साइडर ब्लॉक होता है, नंबर ऑफ आईपीस सबनेट 254, मतलब यूजुअली 254 होता है, 256, ठीक है। इसके अंदर इतने आईपी एड्रेस हो सकते हैं। अब इस सबनेट के अंदर मैंने एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करी, इसके अंदर एप्लीकेशन स्केल कर रही है, ठीक है, और उस सबनेट के साथ काफ़ी सारी एप्लीकेशन आ सकती हैं। जैसे जो स्कैफोल्ड है ना, वो इंटरनली हो सकता है कि एक ही सबनेट के अंदर काफ़ी लोगों का कोड डिप्लॉय कर रहा है, राइट? और इससे फ़ायदा क्या होता है, मान लो मेरी काफ़ी सर्विसेज एक ही सबनेट के अंदर हैं, मेरी एक्सट्रैक्शन सर्विस, मेरी क्रॉन सर्विस, ऑथेंटिकेशन, सब कुछ एक ही सबनेट में, तो डिस्टेंस कम होगा। आप ज्वाइंट फैमिली से टूट के न्यूक्लियर फैमिली में चले गए, लेकिन आपने एक ही कॉलोनी में मतलब साथ साथ में नए घर बना लिए, राइट? तो सबनेट वो है, लेकिन वो कॉलोनी की स्ट्रेंथ कितनी है, 256। अब ये भर गया, नया आईपी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, नया आईपी नहीं मिलेगा तो नई एप्लीकेशन जो बाहर वेट कर रही है डिप्लॉय होने का, वो लाइव ही नहीं हो पाएगी कभी, वो कभी भी स्पिन अप ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको आईपी नहीं मिल रहा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक नया सबनेट बना के अटैच कर देंगे, तो उतने आईपी एड्रेस और मिल जाएंगे अपने को। लेकिन दिक्कत क्या होगी, कुछ सर्विसेज इस वाले सबनेट में है, कुछ सर्विसेज उस वाले सबनेट में, तो इसमें नेटवर्क के थ्रू जो डाटा जाता है ना, जो डाटा ट्रांसफर होता है, उसकी कॉस्ट पड़ने लग जाती है। विद इन अ सबनेट कितना मर्जी डाटा ट्रांसफर कर सकते होते हैं, राइट? तो ऐसा भी हो सकता है कि जो स्कैफोल्ड है, जो ये चीज़ है, ये एक ही सबनेट पे चल रहे हैं अभी तक, या फिर इनके पास मान लो 10 सबनेट हैं, तो 10 सबनेट के सारे आईपी एड्रेस एग्जॉस्ट हो गए, और नया आईपी नहीं मिल रहा तो नई डिप्लॉयमेंट नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम सेम सर्वर को जाके रीस्टार्ट करते हैं किसी को, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वन, तो कोड उसके अंदर नया चलने लग जाता है। स्कैफोल्ड ने क्योंकि तुम्हें सिर्फ ये सर्वर दिया है, ये वाला पार्ट, स्कैफोल्ड ने तुम्हें सिर्फ ये वाला पार्ट दिया है, तुम्हें और कुछ नहीं दिखाते, वो सारा कुछ तुमसे छिपा के रखा हुआ उन्होंने, तो इंटरनली कुछ इशू हो सकता है। अगर तुम्हारे कोड में इशू है तो वो डाटाबेस के अंदर या फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल का इशू हो सकता है। ऐसे काफ़ी चीज़ें जिसके कारण एप्लीकेशन स्पिन अप नहीं हो पाती। वैसे बना क्या रहे हो? Hello, I will try to debug that issue from my end. I am building an e-commerce website, a backend for e-commerce website. Got it. Thank you. Hi, Anubhav. Hey. So, I wanted to ask, जैसे large scale microservices का ecosystem जब हम बनाते हैं ना, तो उसमें जैसे load balancing हो गया या service discovery हो गया, तो वो मतलब उसको effectively manage करना आना चाहिए, right? So ऐसा क्या हमारे पास कुछ best practices या फिर कुछ advices you'd like to give किया, जिसे हम डायनेमिक एनवायरनमेंट्स मैनेज कर सकते हैं इस टाइप के, जैसे क्योंकि बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए टेक्निकली बहुत ज्यादा वो लगता है। या फर्स्ट थिंग इज लाइक हर कंपनी का अलग माइक्रो सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट? या फिर हर प्रोडक्ट का अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो सबसे पहली चीज होती है कि अपने को हर चीज की डिपेंडेंसी या फिर एक सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंसी ग्राफ होना चाहिए कि इस सर्विस को कहां-कहां मैं यूज कर रहा हूं, ताकि अगर मैं सर्विस में कोई मॉडिफिकेशन करता हूं तो क्या-क्या चीज डाउन हो सकती है, ये इंटरनली अपने को पता होना चाहिए। इट्स लाइक नॉलेज ट्रांसफर काफ़ी अच्छा रखना पड़ता है टीम के अंदर, अगर आप अक्रॉस माइक्रो सर्विसेज काम कर रहे हो, वरना मोस्ट ऑफ द टीम्स क्या करती है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस पे ही काम करती रहती है, ऐसा। और इनको मैनेज करने के लिए अपने को जैसे रम की बात करी थी हमने, मॉनिटरिंग सिस्टम्स की, डैशबोर्ड्स की, अलर्ट्स लगाने पड़ते हैं। मान लो मेरे पास एक क्यू है जो इसके अंदर मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, जैसे इस क्यू के अंदर 1000 से ज़्यादा मैसेज वेट कर रहे हैं तो मुझे अलर्ट आ जाना चाहिए, ऐसा। और हर जगह पर हर माइक्रो सर्विस का लोड, उसके ऊपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए हर अच्छी तरह की हर। तो काफ़ी टूल्स हैं इस चीज़ को डील करने के लिए, जैसे एक सिग्नोस करके है, आई थिंक
ऑब्जर्वेबिलिटी टूल जैसे खुद का कंपनी या फिर टीम एक इंटरनल डैशबोर्ड बनाकर रखती है जो हर माइक्रो सर्विस का लोड और उसके नंबर ऑफ प्रोसेसिंग आरपीएस लेटेंसी सब कुछ मॉनिटर करते हैं, और जैसे कहीं पर कोई स्पाइक आती है या एबनॉर्मेबिलिटी आती है, कोई एबनॉर्मल बिहेवियर मिलता है तो उसको जाके इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो जैसे नाइस कंपनीज में ऑन कॉल बंदे होते हैं जो वही बैठ के देखते हैं कि कहीं पर कोई इशू तो नहीं आ रहा, जैसे कोई इशू आता है उसको स्केल अप स्केल डाउन मैनुअली करना पड़ता है। क्योंकि मान लो मैंने एक इलास्टिक सर्विस बनाई है जो स्केल अप स्केल डाउन हो रही है, एक स्केल के बाद वो स्केल अप नहीं हो सकती क्योंकि एक हार्ड लिमिट होती है, वरना मान लो किसी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और मेरी सर्विस इन्फाइनेटली स्केल कर रही है तो मेरा बिल भी इन्फाइनेटली स्केल करेगा, राइट? तो एक थ्रॉटलिंग होती है, अगर उस थ्रॉटलिंग के ऊपर जाना तो डेवऑप्स वाले बंदे को मैन्युअली करना पड़ेगा ऐसा। ओके तो ऐसा कुछ ऐसे डैशबोर्ड्स हर कंपनी में होते हैं इंटरनली बनाए हुए। अच्छा, ये स्टेटस पेजेस इसी डैशबोर्ड के बेसिस पे काम करते हैं क्या? स्टेटस पेजेस तो है ये ना अप टाइम हाँ बॉट, ये एक बॉट है ये इसको यूज करके बना लेते हैं जैसे ये ना स्टेटस ओपन है, ये पेज बना हुआ इसके अंदर सिर्फ वो देते हैं। अब ये स्टेटस पेज भी जो हम क्रॉन सर्विस बना रहे हैं ना ये वाली इसके अंदर एक बड़ा इजी सा लॉजिक लिखना बस हमने इसकी जगह पर, इसमें लॉजिक क्या लिखना है मतलब URL इक्वल टू से आग्स 0। अब मैंने क्या करना है, रिक्वेस्ट URL, अब इफ स्टेटस कोड मतलब इफ रेस्ट डॉट स्टेटस कोड इज नॉट इक्वल टू 0 और 200 तो मैं क्या करूँगा कॉल, मैं सिर्फ स्लैक नोटिफिकेशन लगा दूंगा ये वाला ठीक है ऐसा, ये मतलब ये कोड रख दूंगा। इससे क्या होगा, अब ये बन गया, अब इसको थोड़ा सा डायनेमिक करने के लिए क्या होगा, जो स्लैक का चैनल का URL है ये मैं यूजर से ले लूंगा, से मेरे पास एक सर्विस बन गई और इसको मैं जो स्टार्टअप रिलीज कर सकता हूँ आज के आज ऐसा। नाइस। तो राइट, तो ऐसे छोटे छोटे से टूल हैं ये, अप टाइम बॉट काफी काफी अच्छा है ये क्योंकि ये स्टेटस पेज बना बनाया दे देता है, हमें सिर्फ अपनी डोमेन पे रखना है इसको। ओके API, हार्ट बीट है, मॉनिटरिंग। अब उसमें काफी चीजें आती हैं, लाइक अगर हम सर्वरलेस कोड बना रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल लैम्डा फंक्शन यूज करते हैं कुछ, तो लैम्डास को वार्म करके रखना पड़ता है वरना वो स्लो हो जाते हैं कोल्ड स्टार्ट में, तो काफी चीजें हैं माइक्रो सर्विसेज में। तो जस्ट स्टार्टिंग ओवरव्यू की सोचना कैसे है, बाकी तो जैसे जैसे बंदा एप्लीकेशन बनाता है या फिर कोड करता है तो रास्ता खुलने लग जाता है, जस्ट लाइक अगर आगे का थोड़ा सा आइडिया होता है ना कि इस तरह हमने चीज़ों को लेआउट करना है तो इजी रहता है। जैसे डाटाबेस में ऐसा होना चाहिए कि आपके डाटाबेस में से 4 टेबल निकाल के अलग डाटाबेस में डाल दें तो भी चीज़ चलनी चाहिए, लाइक फॉरेन कीज जितनी कम यूज़ हो सके। ऐसा नहीं है कि फॉरेन कीज यूज़ ही नहीं करनी है और डेटा को डीनॉर्मलाइज करके रखना है, ऐसा नहीं है, लेकिन फॉरेन कीज कम यूज़ कर कर ना डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए मॉड्यूल्स में ताकि माइक्रो सर्विसेज में स्प्लिट करना इजी रहे। करेक्ट। एनी मोर क्वेश्चंस? एनी मोर क्वेश्चंस? मेरा एक क्वेश्चन है, जस्ट अ नॉर्मल लेमैन पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। सर लेट से माइक्रो सर्विसेज होती है तो उनकी सिक्योरिटी का क्या रखा जाता है, कि लेट से एक माइक्रो सर्विसेज बना दी जस्ट फॉर द ऑथेंटिकेशन जो टोकन जनरेट करेगी, सेकंड वन इज फॉर वेरिफिकेशन करना या ये सारा, तो ये सारा कैसे करेगी या सिक्योरिटी? सबसे अच्छा काम होता है कि एक तो सबसे पहले इंटरनल API कीज होनी चाहिए एक माइक्रो सर्विस से दूसरी माइक्रो सर्विस में कॉल करने के लिए। उसके बाद जो जो चीज़ें यूजर एंडिंग नहीं है, जैसे हमारा API गेटवे यूजर एंडिंग है तो API गेटवे को बाहर रखते हैं और बाकी सारी माइक्रो सर्विसेज को एक VPC में डाल दो कि उस नेटवर्क में कोई और उसको एक्सेस कर ही ना पाए, सिर्फ एक्सेस API गेटवे के थ्रू हो। और अगर API गेटवे के थ्रू एक्सेस हो रहा है तो हमारे नॉर्मल बिजनेस लॉजिक के थ्रू हो रहा है,
माइक्रो सर्विसेज को कोई और डायरेक्टली एक्सेस कर ही नहीं पाए ऐसा. थैंक्स. एक और क्वेश्चन, लाइक जनरली क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस मानी की जाएगी, लेट से इंडिविजुअल माइक्रो सर्विसेज के लिए इंडिविजुअल डेटाबेस और लाइक ऑल माइक्रो सर्विसेज के लिए ग्रुप ऑफ शेयर डेटाबेस? आई थिंक इंडिविजुअल डेटाबेस. माइक्रो सर्विस का काम सिर्फ उसका बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट करके रिजल्ट देना होना चाहिए मेरे हिसाब से. जैसे अभी ये क्रॉन सर्विस वाला है, इसके अंदर हम अगर डेटाबेस कॉमन बनाते इसका, और मान लो जो मेरा मेन प्रोडक्शन डेटाबेस है, तो उसमें क्या होता कि मैं डेटाबेस कॉमन कर दिया मैंने दोनों चीज़ों का, और दोनों डेटाबेस कॉमन करके मुझे जॉब आईडी नहीं बनानी पड़ती. यूज़र ने जॉब बनाई, जॉब आईडी को मैंने सेव करा एक टेबल में, उसी टेबल में सारा कुछ रैपअप हो जाएगा. लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई अभी, जैसे मैंने स्लैक नोटिफिकेशन वाली रिक्वेस्ट भेजी थी, राइट, उस रिक्वेस्ट ने एक यूनिक जॉब आईडी बनाई, उसको मैंने क्रॉन सर्विस के डाटाबेस में स्टोर करा जहाँ पर मैं मॉनिटरिंग के लिए बाकी चीज़ें स्टोर करूँगा, और वो जॉब आईडी को मैं रिटर्न कर दूँगा. और वो जॉब आईडी को रिटर्न करके जो दूसरी कोई भी सर्विस में यूज़ कर रहा हूँ वो उस जॉब आईडी का ट्रैक अब उसने रखना है, क्रॉन सर्विस ने नहीं रखना, क्रॉन सर्विस ने सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना है ऐसा. तो आई थिंक सबसे अच्छा सोचने का तरीका पता क्या है, माइक्रो सर्विस डिसाइड करते हुए आप माइक्रो सर्विस को एज अ आइसोलेटेड प्रोडक्ट सोचो कि आपका ये प्रोडक्ट है और आपने ये अलग अलग कस्टमर्स को बेचना है. क्योंकि मान लो ये क्रॉन सर्विस को अगर मैं किसी को बेच रहा हूँ, राइट, लोगों को, कोई थर्ड पार्टी यूज़ कर रहा है, उसको कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है कि ये बिहाइंड द डोर क्या हो रहा है एक्सेप्ट सिर्फ एपीआई को यूज़ करने के ऐसा. तो उससे चीज़ें रीयूजेबल बनती हैं और स्केलेबल बनती हैं. या थैंक यू. I think we are on time this time. एक final question था आप लोगों. जैसे अभी data consistency की बात हो रही है, तो जैसे अभी बड़ी organizations हो गई जैसे JP Morgan Chase, Goldman Sachs, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा important होता है कि financial data को sync में रखना. तो ये लोग तो I think proprietary use करते हैं, but हम अगर कुछ general tools या general जैसे रेडिस हो गया, इन सब अलग अलग टूल्स जो होते हैं, हम कैसे यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी इंस्टेंटेनियस हो? आई थिंक इट टोटली डिपेंड्स ऑन आवर यूज केस कि हमारा यूज केस क्या है. जैसे काफी अच्छा ब्लॉग था और मे बी पॉडकास्ट था कि रेजर पे मोनोलिथ से स्प्लिट होकर माइक्रो सर्विस में गया था, उनको उन्होंने कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करी थी. Maybe just Google कर लेना, maybe I'll find a link or something. Razor पे Razor का ब्लॉग काफी अच्छा था. ये वाला था, इसका पॉडकास्ट भी हमने खेला यूट्यूब पे है भाई, इट्स क्वाइट गुड. जैसे अभी हमने डिस्कस करा ना कि डाटाबेस पहले तो रिडंडेंट रखना पड़ेगा अपने को, जो दोनों माइक्रो सर्विस के अंदर सिंक करे, और हमें एक एक्स्ट्रा एपीआई कॉल्स, नेटवर्क कॉल्स रखनी पड़ेंगी जो प्रूफ करें या वैलिडेट करें कि डेटा सिंक में है, और अगर डेटा सिंक में है तो बाकी के ऑपरेशन को ओवरराइड करना पड़ता है. करेक्ट. आई थिंक मुझे लिंक मिल गया, मैंने शेयर किया है चैट में, कैन यू चेक ये क्या? आई थिंक यही था. हाँ, बंदा यही था, प्रिंसिपल इंजीनियर, तो पॉडकास्ट का कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही होगा. थैंक्स अनुभव. सो आई गो थ्रू इट. श्योर. एनी मोर क्वेश्चन? इट फील्स लाइक अब किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, आई होप
कि आज मतलब माइक्रो सर्विसेज के बारे में कुछ तो ग्राउंड रियलिटी समझ में आया होगा कि रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं और क्या नहीं हमें थ्योरेटिकली समझ में आता है. सो आई होप इट वाज अ गुड सेशन फॉर एवरीवन. ऑल्सो मैं उम्मीद करता हूँ कि 100% तो नहीं समझ में आया होगा बट एटलीस्ट 60% तो आ ही गया होगा. सो नाउ यू हैव द ग्राउंड टू हैव गूगल सर्च एंड ऑल. सो ट्राई टू फिगर आउट थिंग्स योर सेल्फ एंड मीनवाइल the next event is going to be a bit interesting. It is related to ChatGPT APIs, but how you can use ChatGPT APIs as a developer for your benefits. Oh, nice. So next event is going to be that. So links are in the chat itself, and feel free to join, register yourself. And one more request, again, I am requesting you all. Like you, most of you guys are prominent member of this family now. So whenever we put any social media posts related to our events, feel free to reshare it with your network and friend if possible. We want to reach to more people. So that's a gentle request. And yeah, and everyone will receive a feedback link after this session in your mailbox. So make sure to provide your valuable feedback. So that's all for today. See you in the next event, and next event is going to be a bit interesting. So if we make sure to join. Yeah, sure. Okay then. So let's wrap up. Okay then, everyone. Goodbye. Have a great weekend.